लेडी विजय गई। मोना ने भी सरपोस होकर उन्हें बताया कि वे ना तो मसीह ना एलिया ना ही कोई भविष्यवक्ता है। इस ऐसे समय यूहन्ना ने यीशु को उसकी ओर आते देखकर उसने कहा, पास खड़े होकर लोगों से कहा, देखो यही है परमेश्वर का मेहमान। जैसे हम यीशु मसीह का मेहमान है, वैसे ही परमेश्वर हमारा पिता परमेश्वर जो है हमारे, वो परमेश्वर का मेहमान है। इसी तरह जब यूहन्ना ने कहा, मैं नहीं हूँ, मैं ना ही एलिया हूँ, ना ही परमेश्वर हो और ना ही भविष्यवक्ता हूँ, जो परमेश्वर है वो आने वाला है और वो यहाँ यर्दन नदी पर वो बपतिस्मा लेंगे और सारे संसार के दुखों और पापों को हरने के लिए हमारे बीच आए हैं। यूहन्ना जब घोषणा कर रहा था कि यीशु परमेश्वर का मेहमान, उस समय फसह की परब निकट था। मिस्र का दस्तूर से जब इसराइलियों ने परमेश्वर निकाल रहे थे, उस समय परमेश्वर ने उनके अनुसार मनुष्य को दरबारों और पहियों को मार रखा, पर इसराइलियों को परमेश्वर ने छोड़ दिया, क्योंकि उस समय यहूदी के समय था। यहूदी के समय के अंतराम जैसे कि पहियों का नियम चलते थे, पर यहूदी अन्य मसीहियों को भी अपने मसीहों के बीच में नहीं लाते थे। वो लोग सोचते थे हम ही हैं मसीही और अन्य जाति के जो मसीही हैं उन लोगों पर अन्याय करते थे, उन लोगों पर बेविचार करते थे। पर परमेश्वर जो है, जैसे कि पौलुस ने भी कहा था, पौलुस की एक है, जैसे हम बोलते हैं पौलुस ने हम सभी अन्य जातियों को लिए परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के अगुवाई करने पौलुस ने हमें उनको तो सिखाया था, वैसे ही यूहन्ना ने भी कहा था, चलो देखो अन्य जातियों जो है वो भी परमेश्वर के ही मेमने हैं, कोई नहीं है जो ये परमेश्वर के मेमने नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा अनुसार अपने घर को चौखट में मेमने का लहू लगाया था। यह हो सकता है कि घटना यीशु मसीह के बताने वाले मेमनों के रूप में बताते हैं। क्या मतलब उस समय जैसे कि इजरायली लोगों ने, जैसे हम सभी को, जैसे यहूदी लोगों को बंधुआई में ले गए थे, तब यीशु ने इजरायली लोगों को मिस्र से बचाने के लिए उन्होंने मेमने को काट कर अपने घर की चौखट में लगाने के लिए कहा, ताकि परमेश्वर उन सबको बता सके कि ये ही है हमारे सच्चे परमेश्वर का मेमना जो उन्हें कोई ना छूने जा रहे हैं, जैसे भी हो परमेश्वर की इन शैतानों के हाथों से भी हम बच सके। मसीह होने का चिन्ह, जैसे कि आज हम सभी मसीही हैं, परंतु मसीही होने का चिन्ह जो है वो अलग है। हम सभी ही मसीही होते हुए मसीही का अनुसार नहीं चल सकते, मसीही के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल सकते, क्योंकि हम पापी हैं, हम कहीं रास्ते पर भटक जाते हैं, पर पिता के अनुसार हम चल नहीं पाते, क्योंकि हम भूल जाते हैं। आज अभी हम यहाँ गिरजा पर आते हैं, परमेश्वर की बातें करते हैं, परमेश्वर के प्रवचन सुनते हैं, फिर यहाँ से निकलने के साथ साथ हमारे जो प्रवचन, हमारे जो सीखे हैं वो सब शैतान हमसे चुरा ले जाते हैं और हम पहले जैसा फिर मनुष्य पापी मनुष्य की बन जाते हैं। यूहन्ना मसीह के आने के पूर्व मसीही के लिए मार्ग तैयार करने वाला था। मानवीय संबंधों के आधार पर यूहन्ना तथा यीशु की माता दोनों के निकट संबंधी थे। यद्यपि वे निकटीय संबंधी थे तो भी ऐसा लगता था कि यूहन्ना यीशु गहरे तरीके से नहीं पहचानते। यीशु का बपतिस्मा के समय जब पवित्र आत्मा उन पर के नायक भी, तब यूहन्ना ने संतोष रूप से पता चला कि आने वाला मसीही ही है। जब बपतिस्मा लेने के बाद यीशु ने जब यर्दन नदी में बपतिस्मा लिया, तब परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा की ओर से जब कबूतर के भांति होकर परमेश्वर के ऊपर चढ़ा, तब सभी को पता लगा कि हाँ यही है हमारा सच्चा परमेश्वर जो हम जगत के पापियों को उद्धार करने के लिए इस जगत में आए हैं। पुराने नियमों की पवित्र आत्मा को उतरने का ये मतलब है कि केवल मसीही के साथ होगा, ये मसीही का वस्त्र होगा तथा एक चिन्ह होगा, आदि कबूतर एवं निर्देश नमन व तथा शांत स्वभाव का परिपूर्ण है। यशायाह की पुस्तक में हम पाते हैं कि यहोवा का आत्मा बुद्धि और समय की आत्मा, युक्ति पराक्रम का आत्मा और ज्ञान के यहोवा का भय का आत्मा उस पर ठहर गया। जैसे कि हम पाते हैं कि पुराने नियम में, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में पाते हैं कि यहोवा जो है आत्मा को बीटती है और आत्मा का और समय का आत्मा और युक्ति का पराक्रम परमेश्वर है। यूहन्ना ने जब देखा कि यीशु के ऊपर
पर कबूतर तक उतरा था तब उन्होंने उसे समझ लिया। और हमारा तीसरा अध्याय जो है वो है परमेश्वर का पुत्र। पुराने नियम के अनुसार इसराइलियों ने परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। इसराइलियों का राजा के दाऊद के वंश में परमेश्वर ने जन्मा हुआ माना पाया है तथा उन्होंने परमेश्वर का प्रथम संतान करके बताया गया है। हमारा पिता परमेश्वर जो इसराइलियों के वंश में और दाऊद इसराइलियों की जाति और दाऊद की वंश में पैदा हुआ था वही हमको पता चला कि यही है हमारा सच्चा परमेश्वर। नया नियम के यीशु स्वयं ही परमेश्वर का पुत्र स्पष्ट रूप से कहा कहते हैं। कई भागों में हम पाते हैं कि यीशु के पिता परमेश्वर है। फसह के पर्व से जब यीशु अपनी माता पिता से बिछड़ कर वही ठहर गए थे तब मात्र 12 वर्ष की थी और उन्होंने परमेश्वर को अपना पिता कहा था। लेकिन ऐसा हुआ था कि परमेश्वर यीशु मसीह और माता पिता वो लोग सब आए